पर चलती उंगलियां, तो कहीं भारतीय और पाश्चात्य संगीत पर थिरकते कदम, तो कहीं कैनवास पर अपनी सोच को फेरते ब्रश। ये नजारा कुचामन के भारतीय संगीत सदन में रोजाना देखा जा सकता है, जहां बीती 15 मई से शुरू हुए समर कैंप में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संगीत सदन संस्थान के सुनील माथुर ने बताया, भारतीय संगीत सदन के तत्वाधान में चल रहे समर कैंप में गायन, वादन, नृत्य के साथ पेंटिंग का भी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया, वर्तमान में मोबाइल इंटरनेट के भंवर जाल में फंसते जा रहे बच्चों को उनकी रुचि के मुताबिक प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभाओं को निखारना है ही इस समर कैंप का मकसद है। आपको ये भी बता दें, संगीत सदन में धमाल मस्ती के साथ प्रशिक्षण की पाठशाला 30 जून तक जारी रहेगी। सुबह 8 बजे से ही जहां डांस व योगा की कक्षाएं शुरू हो जाती हैं, बच्चों के साथ बड़े भी अपना हुनर निखारने के लिए वादन, गायन, अन्य गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। वहीं अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने का भी प्रशिक्षण समर कैंप में दिया जा रहा है। बच्चे उत्साहित है। इसी के साथ पेंटिंग के शौकीन बच्चों को पेंटिंग का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते हैं। और क्या क्या सिखाया जा रहा है आपको? हमारे कुचामन सिटी में भारतीय संगीत सदन के अंदर कथक सिखाया जा रहा है और वेस्टर्न भी सिखाया जा रहा है। और कथक यहाँ पर कोई नहीं सिखाया था, लेकिन निःशुल्क यहाँ पर संगीत सदन में स्टार्ट किया है समर कैंप यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे हम लोगों को सीख के, बहुत मजा आ रहा है। क्या नाम आपका? संगीत सदन में जो प्रशिक्षण ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, उसमें क्या क्या सिखा रहे हैं और किस उद्देश्य से आप इसको सिखा रहे हैं? भारतीय संगीत सदन प्रतिवर्ष ये प्रशिक्षण शिविर के संस्थान में चलाता है, और 2 वर्ष जो है कोरोना काल में नहीं हुआ था, लेकिन अब पुनः इसको 15 मई से इस वर्ष शुरू किया गया। और श्री कनोई जी परिवार, सतनायक जी कनोई ने जो है ये डोनेशन दे करके निःशुल्क भारतीय संगीत सदन जो ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण चला रहे हैं, उसमें क्या उद्देश्य लेके चला रहे हैं, क्या क्या इसमें सिखा रहे हैं? भारतीय संगीत सदन ग्रीष्मकालीन शिविर 15 मई से शुरू किया गया, 40 दिवसीय शिविर निःशुल्क रखा गया है, जिसमें अभी जो है 100 से अधिक लड़कियों ने जो है एडमिशन लिया है और प्रशिक्षण पा रहे हैं। इसमें गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाएं सिखाई जा रही है। नृत्य की विधा जो शास्त्रीय संगीत से ली हुई है, कथक डांस भी यहाँ सिखाया जाता है और वेस्टर्न डांस भी सिखा रहे हैं। कथक डांस के हमारे किशोर जी और सपना सोनगरा सिखा रही हैं, और इसी तरह से म्यूजिक में गोपाल जी और प्रताप और मुकेश जी ये जो है इसको प्रशिक्षण दे रहे हैं, और इसी तरह से गिटार में विजय जी जो है ये सिखा रहे हैं, गिटार और पियानो दोनों। तो इस तरह से हमारे गायन, वादन और नृत्य तीनों ही विधाओं का यहाँ प्रशिक्षण दिया है। क्या संगीत सदन का क्या उद्देश्य है, इन बच्चों को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे हमारा ये उद्देश्य है कि विद्यार्थी, लड़के लड़कियाँ ये तो ग्रीष्मकालीन का समय, अवकाश काल का ये सदुपयोग कर लें, और दूसरा हमारी संस्कृति की इनको जानकारी मिले, और प्रशिक्षण लेकर के ये समाज के अंदर अपनी विधा का प्रदर्शन अच्छा रूप में कर सकें, ये उद्देश्य है। इसीलिए निःशुल्क संगीत सदन ये प्रतिवर्ष कैंप लगाता है। कोरोना काल में 2 वर्ष नहीं हुआ, बाकी पहले से लगातार चला रहा है। इस वर्ष भी ये प्रारंभ कर दिया गया 15 मई से, और लगातार 40 दिवसीय ये प्रशिक्षण चलेगा, और 25 जून को इसका समापन समारोह किया जाएगा। आपका नाम और पद? मैं सुनील कुमार माथुर, भारतीय संगीत सदन निदेशक, और अभी वर्तमान में ये जो ग्रीष्मकालीन शिविर है, इसका संयोजन का पदभार मुझे हमारी कार्यकारिणी सौंपा है।